हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट फॉर यू के अंदर। मैं हूं दिलीप चौहान। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। जी हां दोस्तों, FAS सिस्टम के बारे में सीखेंगे। और ये FAS सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इन्हीं सारी चीज़ों का हम लोग आज के इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो FAS के बारे में हम कुछ यूनिवर्सल पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ, ठीक है, ये चार बेसिक पॉइंट्स के ऊपर आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जो होता है फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट। तो चलिए बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाट, फायर अलार्म सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फायर अलार्म सिस्टम एक सिंपल सा एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि फायर अलार्म कैसे बजना चाहिए, इसका काम क्या है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, अगर हम फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में अगर सीखने जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे अपने पास में जो हाइड्रेंट सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है ना ब्लास्ट होता है या फिर एक्टिव होता है। ठीक है, अगर ये कब एक्टिव होगा, जब आपका स्प्रिंकलर फूट गया तो आपका स्प्रिंकलर लाइन चार्ज हो जाता है, ठीक है, या फिर आप मैनुअली हाइड्रेंट लाइन को चार्ज करके आग बुझा सकते हो। लेकिन क्या हम इस आग को जलने से पहले या फिर आग को लगने से पहले या फिर बड़ा होने से पहले रोक सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहीं पे अपना फायर अलार्म सिस्टम जो है ना इम्पैक्ट में आता है या फिर काम पे आता है। कैसे, देखते हैं। ओके, तो ये कैसे काम कर रहा है, क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम कब फूटता है आपका, जब आपका टेम्परेचर जो है उस रूम का, उस एरिया का 68 डिग्री जब जाता है ना, ठीक है, तब आपका स्प्रिंकलर फूट जाता है। ठीक है, या फिर आप मैनुअली जब आग को देखोगे तभी आप हाइड्रेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके उस आग को, पर्टिकुलर आग को बुझा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक फायर अलार्म सिस्टम, मतलब फायर अलार्म, नाम क्या बता रहा है, फायर अलार्म, आग लगने से पहले अलार्म हमने चाहिए। ठीक है, उससे क्या हो सकता है, एक चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक कहीं पे कूड़ा या कचरा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आग लगा है, अगर आग लगी है तो सिंपल सी बात है कि धुआं डेफिनेटली निकलेगा। तो वो धुएं से हम लोगों ने क्या किया, फायर अलार्म सिस्टम में स्मोक डिटेक्टर लगा दिया। ठीक है, अब ये स्मोक डिटेक्टर क्या करेगा, वो जो फायर से जो धुआं निकल रहा है सबसे पहले वो सेंस कर लेगा। ठीक है, सम अमाउंट, अगर थोड़ा सा भी अमाउंट उस डिटेक्टर के अंदर जाता है तो वो सेंस करके एक सीधा एक अपना FAS पैनल को सिग्नल जाता है, जिसके थ्रू एक हुटर है जो हुटर बजने लगता है कि यस, ये पर्टिकुलर एरिया में एक अलार्म या फिर एक फायर हुआ है और हमें उसको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो क्या चांसेस है, यहां पे मैं दौड़ के जा सकता हूं, छोटे मोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो अपने पास क्लासेस में रहते हैं उसको लेके वो छोटी सी आग को मैं बुझा सकता हूं। ठीक है, इसका एक फायदा क्या हो गया, आग बड़ी नहीं हुई, उससे पहले हमें अलार्म आ गया, अलार्म आने की वजह से आग जो है वो छोटे के अंदर ही हम लोगों ने उसको फिनिश कर दिया, फिर बुझा दिया। ठीक है, ओके, तो नंबर पॉइंट नंबर टू के बारे में देखते हैं। ठीक है, व्हाई, फायर अलार्म सिस्टम जो है उसकी ज़रूरत क्या है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, 1801 के अंदर फ्रेडरिक जिराफ नाम का बंदे ने फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इन्वेंशन किया। ठीक है, उसने बताया कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या है, उससे हम लोग फायर के ऊपर काबू पा सकते हैं जब भी एक बड़ी फायर होती है तो। ठीक है, ठीक उसके अराउंड 89 साल के बाद में, ठीक है, एक और बंदा आया जिसने क्या किया, फायर अलार्म मतलब सिस्टम को जनरेट किया। फायर अलार्म सिस्टम जनरेट क्यों किया है, उसका बोलना यह था कि फायर जलने के बाद में, फिर लगने के बाद में हम हाइड्रेंट से बुझा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम फायर अलार्म सिस्टम लगा देंगे, ठीक है, तो वो फायर क्या होगा, आपका फायर लगने से पहले ही हम वहां पे छोटी ही फायर अलार्म को हम लोग बुझा सकते हैं। ठीक है, और ये बंदे का नाम था फ्रांसिस रॉबिन्स। ठीक है, इसने 1890 के अंदर फायर अलार्म सिस्टम को इसने जनरेट किया। ठीक है, अब ये क्यों जनरेट किया, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जनरेट इसने किया या फिर इन्वेंशन इसने इसलिए किया, इसका बोलना ऐसे था कि इसको हम लोग क्यों लगाएंगे, ताकि फायर के ऊपर अपना कंट्रोल आए, आग बड़ी होने से पहले या फिर जब छोटी रहती है ना, ठीक है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, आइडेंटिफाई करें, इसके लिए उसने फायर अलार्म सिस्टम का इन्वेंशन किया, जिसके बदौलत आज हम बहुत ज़्यादा फायदा ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था पॉइंट नंबर टू। नाउ पॉइंट नंबर थ्री। ओके, तो पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री में हमारा क्या है, वेयर, फायर अलार्म सिस्टम जो लगाना है उसको कहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम को हम लोग बेसिकली सीलिंग्स के ऊपर, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर्स जो होते हैं ना, ठीक है, सीलिंग्स के ऊपर लगाते थे, अबव सीलिंग, बिलो सीलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग फायर अलार्म सिस्टम्स को लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होती है MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट जैसे हमको बोलते हैं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डोर्स के यहाँ पे, जहाँ पे फायर एग्जिट डोर्स रहते हैं वहाँ पे भी, या फिर बीच में जहाँ पे भी अपने को रिक्वायरमेंट है वहाँ पे
हम लोग फायर अलार्म सिस्टम को लगा सकते हैं। दिस इज वेयर नाउ पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट वाला। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि जो मेरे बनाए वीडियोस है आपके लाइफ में कहीं पे भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहा है जो आप बाहर से नहीं सीख पा रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो नंबर 4 या फिर लास्ट पॉइंट जो है अपना है हाउ फायर अलार्म सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, हाउ इट ऑपरेट्स, ठीक है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने इससे पहले के पॉइंट्स में बताया, हम लोगों ने स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर्स, ठीक है, या फिर मैनुअल कॉल पॉइंट जैसी जो चीज़ें हैं वो हम लोग क्या करते हैं एक एक ऑफिस के अंदर, ठीक है, ऑफिस या इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है एप्लीकेशंस वहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ ये ऑपरेट कैसे होता है, जैसे कहीं आग लगा तो स्मोक निकलता है, ठीक है, तो स्मोक जाके स्मोक डिटेक्टर के अंदर वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे वो स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, ठीक है, वैसे ही वहां से एक सीधा सिग्नल मिलता है फायर अलार्म पैनल को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं फायर अलार्म जो पैनल होता है वहां पे उसका एक सेंस जाता है, फिर वहां से एक हूटर रहता है, ठीक है, हूटर जो आवाज देता है, सिरेन बजाता है, ठीक है, उस हूटर को एक सिग्नल जाता है कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर एक डिटेक्टर जो है ना वो एक्टिवेट हो गया है, वहां से एक हूटर बजता है, ठीक है। नाउ ये जो हूटर बजता है इसके बेसिस पे हम लोग फायर अलार्म पैनल में जाते हैं, वहां पे एड्रेसेबल नॉन एड्रेसेबल टाइप के पैनल्स रहते हैं, ठीक है, वहां पे हम जाके देखेंगे कि कौन से जोन में या फिर क्या एड्रेस दिखा रहा है जो अलार्म का डिटेक्टर जो एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि हाँ मान लो 5th फ्लोर पे कहीं पे अलार्म जो है वो एक्टिवेट हुआ है, तो हम क्या करते हैं तुरंत वहां पे जाते हैं, 5th फ्लोर पे जाएंगे जहां पे भी अपना BMS रूम होता है, वहां से छोड़ के उस जगह पे जाएंगे और वहां पे जाके देखेंगे कि वो एक्चुअल में फायर है, फॉल्स अलार्म है, किसी ने गलती से दबा दिया है, वो हम वहां पे जाके एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये था फायर अलार्म सिस्टम का हाउ, मतलब कैसे काम कर रहा है, कुछ अगर आग लगी है स्मोक डिटेक्टर ने उस स्मोक को कैच किया और उसने एक पैनल को अलार्म दे दिया, फिर सिग्नल दे दिया, पैनल ने क्या किया हूटर को साउंड दे दिया, फिर हूटर से अलार्म बज रहा है, हम क्या करते हैं पैनल के अंदर जाके वो लोकेशन ट्रेस करते हैं, फिर वो लोकेशन पे जाके आग को हम लोग बुझाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था पॉइंट नंबर 4। ओके दोस्तों, तो ये था फायर अलार्म सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे फायर अलार्म सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट्स है वो कैसे एक्टिव होते हैं, इनके डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हम आने वाले 4-5 टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड इसके अलावा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू, नमस्ते।